बोल रहे कि 180 रुपए की थाली कौन सी साला राजधानी एक्सप्रेस में महाराजा थाली आ गई, आपकी 180 की थाली दिखाओ। नहीं नहीं तो ठीक है, आपने पनीर मिलाया तो बिल दो 120 का। फिर कहाँ गया था जानू? जानू कहाँ गया था? सो अभी हम कर रहे हैं भाई श्रीखंड ट्राई देखिए। तो यार विशाल भाई के सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं जो कि सेल्फी चल रही है। में लगता है कोई सीन हो गया। बिक रहे हैं कितने का? चलिए अब बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं जो कि हमने बाहर से लाई थी। तो मेरे देश की जनता को सलाम है दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस में जो कि चेन्नई से दिल्ली के बीच में चलती है। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं, 10 बजने ही वाले हैं, हमारी ट्रेन चलने वाली है, हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। टाइमिंग की बात कर लेते हैं आज की अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस की। तो ये जो ट्रेन है ना, ये वीक में हर दिन चलती है, रात को 10 बजे ये चेन्नई से चलती है। 2190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन सुबह 7:10 पे आपको देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचाती है। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो थर्ड एसी होने वाली है। आज का अपना कोच है B1 सीट नंबर 39। तो चलिए चलते हैं। तो ये अपनी बर्थ आज की, सॉरी साइड लोअर मिली है हमें 39। तो चलिए लगेज वगैरह रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये लगा लोकोमोटिव रोयापुरम शेड का वेब 7 और एड ही एड हो गई भाई पूरे लोकोमोटिव पे। तो भाई टाइम देख रहे हो आप, 10 बज चुके हैं और अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस निकल रही है भाई। देखिए MGR चेन्नई सेंट्रल पे। देखिए भाई पैरलर डिपार्चर हमारी त्रिवेंद्रम सेंट्रल चेन्नई के साथ, देखिए दोनों का एक साथ डिपार्चर 39 विशाल। इन हमारी चले हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो अभी डिनर कर लेते हैं। डिनर में हमें लाई है बिरयानी जो कि बाहर से ही पैक करवा के लाई है, और कल से इस ट्रेन में हम खाने का रिव्यू करेंगे खाना कैसा रहता है, ठीक है। चलिए अब बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं जो कि हमने बाहर से लाई थी। ये आ गई चटनी और ये आ गई हमारी प्याज, ठीक है। चलिए मिक्स करते हैं, प्याज हमने मिक्स कर लिया, ये चटनी मिक्स कर ली है, तो लेट्स ट्राई। अच्छे होटल से लिए तो ऑब्वियसली बिरयानी अच्छी ही होगी। रात का टाइम निकल गया, अभी सुबह देखते हैं क्या खाते हैं हम। अभी जो हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप आएगा ना वो विजयवाड़ा आएगा जो कि 431 किलोमीटर के बाद आएगा, 4 बजे के आसपास आएगा। तो मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, अभी वॉशरूम रिव्यू आपको सुबह करके ही दिखाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए दिखा देते हैं अपनी बेडरोल। गुड नाइट, अब आपको सीधा सुबह मिलते हैं। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपना ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो लोटस 365 पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, जैसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन देके प्राइजेस जीतो, वो भी लोटस 365 पे। यहाँ पे रजिस्टर करके आपको मिलेगा बोनस 365 रुपीज का। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ पे खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। मटर पनीर का सब्जी है, मिक्स वेज है, दाल फ्राई है, वाइट राइस है, चपाती है, पिकल है। कितने की प्लेट है? 120 का सर। लिख लो। दूसरा दिन है तमिलनाडु एक्सप्रेस में और वरंगल हमने पार कर दिया है, विजयवाड़ा वरंगल। तो अभी मिलते हैं इसके नेक्स्ट हॉल्ट पे। चल रही है हमारी, देखिए सुबह सुबह ट्रेन जर्नी को एंजॉय करते हैं।
भाई धूप हो चुकी है काफी ज्यादा, 10:51 हो चुके हैं सुबह के, और भाई इतनी गर्मी है ना सीरियसली। फाइनली तो हम पहुंच चुके हैं 881 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद भलाशा में, जो कि इसका तीसरा हॉल्ट है। BPQ भलाशा का स्टेशन कोड है। गाड़ी बहुत अच्छी है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, लेकिन लेट पता नहीं यार कैसे हो गई आज, समझ नहीं आई। 10 स्टॉप हैं इसके 2000+ किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद। बाकी ये देखिए यहाँ पे ये बादाम बिक रहे हैं, कितने का? 50 का। ये 50। श्रीखंड कितने का? वो ले लूँ क्या? श्रीखंड दो दे दो, श्रीखंड वो 30 रुपए बोल रहा है। तो भलाशा जंक्शन पे 5 प्लेटफॉर्म है, और ये स्टेशन है अपना महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर डिविजन के सेंट्रल जोन में। S1 में लगता है कोई सीन हो गया, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि S1 जो RPF स्टॉप है वो S1 बाकी S1 में हो गया है। थोड़ा एक यात्री बीमार, खून की उल्टी आ रही है भैया को, एक ले लिया मैंने। बड़ी करो यहाँ पे यार, क्योंकि यहाँ से ना साफ आएगी। ये भैया इधर ही बैठे रहे जिनको खून की उल्टी आई, बाकी RPF और TT भी उतर गया इनके साथ। और ये भैया और भाभी थे, ये थे अपने साउथ इंडिया से, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट RPF वाले बोल रहे थे कि अगले स्टेशन पे जाओ। अब यहीं पे उनको चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, भगवान करे इनको ले जाए रेलवे, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह दें। तो यहाँ विशाल भाई के सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, जो कि सेल्फी चल रही है अभी। हैप्पी ब्रो। बाकी भाई मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता थी, जो पीछे भैया मतलब उल्टी आई ना, तो उनको हेल्प नहीं मिली है, वो चढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनको वो बोल रहे थे कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है थोड़ा भलाशा, तो आप नागपुर चले जाइए, वहीं पे आपको रेलवे का वो मिलेगा। तो मैंने सोचा यार मिल गई, बट नहीं मिली उनको। अब पता नहीं यार क्या होगा उनके साथ, बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे डॉक्टर बुलाओगे तो वो आपको नागपुर ही रेफर करेगा। अभी ग्रेप्स खा लेते हैं सुबह सुबह, उसके बाद हम ट्राई करेंगे श्रीखंड। ये लिए थे हमने ग्रेप्स, अभी ट्राई करते हैं ग्रेप्स। देखने में लग रहे थे शायद मतलब सूखे होंगे, बट ऐसा नहीं है, ग्रेप्स मीठे हैं। भाई कैसे हैं? मीठे हैं भाई, मीठे। सो अभी हम कर रहे हैं भाई श्रीखंड ट्राई। देखिए 3500 रुपये का बॉक्स है ये, तो अभी चलो करते हैं श्रीखंड ट्राई, कैसा है भाई इलायची फ्लेवर है। श्रीखंड इलायची फ्लेवर, ये देखिए ऐसा कुछ होता है, बहुत ज़बरदस्त है भाई, टेस्टी है भाई। बाकी दोस्तों स्पीड देखो 130 की रफ्तार से चल रही अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस। तो भाई खाना कर दिया था हमने सुबह ऑर्डर, और 120 रुपये की हमें थाली मिली है, जबकि इसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। बाकी काफ़ी इन्होंने सजा वजा के दी है ट्रे व्रे में डाल के, और दही फिर भी नहीं दिया ना इन्होंने हमें, हैंड सैनिटाइजर दिया ना दही दिया। ये पिकल दिया है, और ये दिए इन्होंने 3 पराठे दिए हैं, है ना। ये देख ये दाल है, सॉरी लिखा ऊपर पनीर है लेकिन है दाल। क्वालिटी बहुत ही बाहियात लग रही है मुझे देखने में, देखिए 1, 2, 3, 4 पीस पनीर के डाले हैं, थिकनेस सही नहीं है, थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश पनीर है। बहुत ज्यादा सख्त है, तो मिक्स वेज ठीक है खाने में, खा सकते हो, इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन खा सकते हो। बाकी आ गई अपनी दाल, दाल भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल खाने की रेटिंग की बात करें तो दिल से भाई बोलता हूँ, दिल से खाना सिर्फ खाने लायक है, पनीर तो बिल्कुल नहीं है। रेटिंग दूंगा इसमें 10 में से 5 दे देता हूँ।
सो दोस्तों चेन्नई से 1089 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है दी सिटी ऑफ ऑरेंज, संतरों के शहर नागपुर में। और दोस्तों ये नागपुर है ना, ये इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट है, तो देख लो भाई कहाँ से चली थी, कितना 1000 से भी ज़्यादा डिस्टेंस, 1100 के लगभग डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन तीन ही हॉल्ट हैं, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे पानी भी फिल किया जा रहा है अपनी ट्रेन में नागपुर जंक्शन पे। देखिए दोस्तों जो अपना नागपुर है ना, ये 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ी डिवीज़न भी अपनी नागपुर जो कि सेंट्रल रेलवे के जोन में आती है। निकल रही है अपनी ट्रेन अभी नागपुर से, और नागपुर को टाइगर कैपिटल सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स को रिजर्व करके रखा गया है। आईटी सेक्टर में भी देखें तो पुणे के बाद नागपुर को ही प्रेफरेंस दी जाती है, काफ़ी फेमस आईटी सेक्टर के लिए भी नागपुर। लक्ष्मण झूला दिख रहा है, लक्ष्मण झूला ये ना, ये देख और देखिए भाई नागपुर से निकलती हुई हमारी ट्रेन, और उसमें दही भी होता है और साथ में सैनिटाइजर भी होता है, हैंड सैनिटाइजर भी होता है अच्छी वाली थाली में, रस्सी वाली भी आती है। अच्छा मतलब 40 रुपए का एक्स्ट्रा पनीर सब्जी है, तो क्या था भाई 4 पीस ही थे पनीर के थे और वो भी इतने भाई, देखो 120 रुपए का बिल वो भी पनीर ऐड करने के लिए, तो हमने इसको बोला कि हमारे में पनीर ऐड करो, और पनीर की क्वालिटी तो आपको बता दी थी हमने, अभी जा रहे हैं पेंट्री में, अगर ये पनीर ऐड कर रहे हैं तो बिल भी तो होना चाहिए ना 120 रुपए का। अगर ये बोल रहे हैं कि 40 रुपए हमें पनीर के लेते हैं पनीर, तो 120 का बिल दो हमें, हम आपसे बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 120 का बिल तो दो। चलिए देखते हैं इनकी 180 वाली थाली कौन सी। नहीं नहीं पहले 180 वाली थाली देखते हैं ना, 180 वाली थाली दिखाओ सर, आपकी 180 कौन सी, 180 वाली थाली, कौन सी थाली है अभी, कौन सी आपकी, हम पूछ रहे हैं पीछे बोल रहे हैं आपकी 180 की थाली आती है दिखाओ। सो आ गए हम पेंट्री कार में, अब देखेंगे इनके जो मेनू प्राइस है वो आपको बताएंगे, जैसे कि पीछे भैया ने बोला कि 180 की थाली है, तो देखते हैं दिखाइए 180 की थाली। वो 180 की थाली दिखाओ हमें, नहीं नहीं तो ठीक है आपने पनीर मिलाया तो बिल दो 120 का, फिर बिल दो 120 का हमें, हम आपसे मना ही नहीं कर रहे हैं कि थाली हमें 120 का बिल दो, फिर 180 का बिल मिलेगा। हाँ कौन सी नई थाली आ गई 180 रुपए की, ये बताओ हम। हाँ जी ये बोल रहे हैं भैया कि 180 रुपए की थाली है, ये बता रहे हैं कि 180 रुपए की थाली, कौन सी साला राजधानी एक्सप्रेस में महाराजा थाली आ गई आपकी 180 की थाली दिखाओ ना सर, और बोल रहे हैं कि 100 रुपए का पनीर दिखाओ, बिल 100 रुपए के पनीर को दिखाइए, 100 रुपए का बोला ना, 100 रुपए का पनीर है, ये कैमरा है भैया, 100 रुपए का आपने वो बोला ना पनीर, बिल दिखाओ 100 रुपए का, कहाँ पनीर है। हम आपसे मना नहीं कर रहे, 120 का बिल दो और हम पैसे दे रहे हैं आप, और खाने की क्वालिटी मतलब नॉर्मल थी, कोई पनीर था सख्त मतलब था वो एकदम कचरा पनीर, इतना मतलब दांत टूट रहे हैं उसे चबाने से, वो आपका पनीर था। हाँ नहीं नहीं सर हमें दिखाइए 180 की थाली दिखाइए, अरे वो मटर पनीर का 100 रुपए का पनीर का सब्जी है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये थाली नहीं अलग काट है। हाँ हाँ अलग काट, अलग काट, और पूरी ट्रेन में, पूरी ट्रेन में यही चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए आप बेच रहे हो। देखिए अगर आप यात्रा करते हो कितनी की भी थाली हो बट बिल जरूर ले, तो देखना ध्यान रखना ठीक है, शाम को नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है भैया शाम को देखना हम बिल। तो गुड इवनिंग गाइस, अभी चल रहा है हमारा सूप, भैया से लिया सूप 20 रुपए का, देखिए टमाटो सूप पैकेट वाला, सही है भाई पैकेट वाला सूप चल रहा है। कहाँ जा रहे हो बेटा, ये झूला झूलने, कहाँ जा रहे हो झूला झूलने है ना, गिर जाओ। क्या नाम, नाम क्या छोटू, ओए तुम निकल दिया, ये करो बंद, ये कौन है, ये देखो ये कौन है लड़का,
जानू है ये, कहाँ गए थे आप? कहाँ गया था जानू? जानू कहाँ गया था? हाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ तक जा रहे हो बोलो, कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बिल्ली बिल्ली जा रहे हो? कह रहा है बिल्ली जा रहे हैं। बिल्ली कहाँ जा रहे हैं? बिल्ली नाम क्या है? नाम जानू। चल गया, बंद नहीं हुआ। अब डिलीट कर दूँ? अभी क्या है, डिलीट कर दूँ? उसको बोलो डिलीट करो। डिलीट कर दो। बोलो मेरा वीडियो डिलीट कर दो वरना वो वायरल कर देगा। बोलो भैया मेरा वीडियो डिलीट कर दो। बोलो बंद कर दूं या डिलीट कर दो पहले ये बताओ। बोलो भैया मेरा वीडियो डिलीट कर दो। बोलो वो देखो बंद कर दे। वो देखो हाँ बंद कर दे, डिलीट नहीं करना। क्या करूं पहले बताओ, क्या करूं? बंद कर दूं? अच्छा अगर बंद नहीं करूंगा फिर बंद क्यों करूं? ये तो बताओ नाम से बंद क्यों करूं? बंद क्यों करना ये बताओ। बोल वीडियो बंद कर दे, तोड़ दूँ। कितनी अच्छी आ रही। अबे चाटा मार। बोल तोड़ दूँगा, बंद कर दे। हाँ ओह चाट मालगाड़ी। हेलो। हाँ हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? अरे नहीं, कौन वो पूछ, कौन बोल रहा है ये बता, मैंने तुम्हें किया क्या है? ओए बाल कहाँ गए? बाल कहाँ गए? बाल कहाँ गए? ये देखो गंदा बच्चा रो रहा है, गुरांग रो रहा है। इसका नाम बोलो। हेलो तमिलनाडु एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पांचवें हॉल पे जो अपना इटारसी ईटीस का स्टेशन कोड है। और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट बिफोर ही आ गई। जो ये ट्रेन लेट चल रही थी ना भाई, इसने सारा का सारा अपना टाइम है वो कवर कर लिया। चलिए शाम की चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन ट्रेन ही चल पड़ी। देखिए पीछे मेरे निकल गया अपनी ट्रेन, देखिए। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 8:23 और चेन्नई से 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने छठे हॉल्ट पे जो अपना भोपाल जंक्शन BPL इसका स्टेशन कोड है। और यहाँ पे ये 12 मिनट की देरी से आई है। और भाई जो अपना भोपाल है इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी आपको लेक्स की भी, जैसे आर्टिफिशियल लेक हो गई, नेचुरल लेक्स हो गई, सारी की सारी अपने भोपाल जंक्शन पे। दोस्तों भोपाल जंक्शन पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है। भोपाल है ना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डिवीज़न है जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ती है। स्टेट अपनी मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आपका स्वागत है। तो देखिए भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर भोपाल जंक्शन से। भोपाल से निकल गई अपनी ट्रेन। अभी बात कर लेते हैं इस ट्रेन में टिकट प्राइस की। तो अगर आप एंड टू एंड यात्रा करते हो उसमें फर्स्ट एसी में तो आपको पड़ेगा 5,285 रुपीस। अगर आप इसमें सेकंड एसी में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेगा 3,000 के आसपास। और अगर आप थर्ड एसी में यात्रा करते हो तो इसमें आपको 2,045 रुपये पड़ेंगे।
और अगर आप थर्ड एसी इकोनॉमी में करते हो तो आपको 2000 के आसपास पड़ेगा। तो अगर आप स्लीपर में करते हो तो आपको 840 पड़ेंगे, और अगर आप जनरल में करते हो तो आपको 440 रुपए के आसपास ट्रिप में फेयर पड़ जाएगा। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं, खाना भी हमारा आ चुका है, तो खाना खा के हम सो जाएंगे भाई वॉशरूम रिव्यू करके। बाकी देखिए यहाँ पे चल रही है साफ सफाई हमारी ट्रेन की, पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है भाई ट्रेन। ये हमारी एग बिरयानी जो कि हमें 90 रुपीज़ की पड़ी है, पूरे परफेक्ट रेट पे। चल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया हमारी। अभी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है भाई, लगभग 11 बज रहे हैं। तो सीधा आपको सुबह मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। तो दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 6:53 और हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। देखिए तो दोस्तों यात्रा करके मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैं रिव्यू करना भूल गया था, तो अभी रिव्यू कर लेते हैं जर्नी का। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस हमारा ठीक ठाक था। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।